Hope you enjoyed the first part of the video, in which we did many activities like this one to understand the four different type of lines: the standing lines, the sleeping lines, the slanting lines, and the curved lines. So now we will move to the second part. We will do the whole chapter from the NCERT book itself. So let's move to the chapter. So this is our chapter, lines and lines, from CERT textbook, chapter number 11. So we'll start from this. Now chapter number 11 mein dekhte hain kya hai, whose line is it. Now the first activity what they have given is, today there is a cricket match in Fatima school. Fatima, Jasbir and Raima have each bought their own stump from home. Stump kise kehte hain, jo cricket khelne ke piche wicket lagate hain, usse bolte hain stumps. Ye stumps kehlate hain. तो ये बच्चे जो हैं अपने घर से स्टंप लेकर आए थे, और यहाँ पर दे कीप दीज इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, वहाँ पर रूम में इन्होंने इसे कॉर्नर में रख दिया. अब हुआ क्या, फातिमा कीप्स हर स्टंप इन स्टैंडिंग पोजीशन. ओके, सो दिस इज स्टैंडिंग पोजीशन. ये देखिए फातिमा ने किस तरह रखा है इसको, स्टैंडिंग पोजीशन पर रखा हुआ है. ओके, नाउ जसबीर कीप्स हर स्टंप इन स्लांटिंग पोजीशन. ये देखिए जसबीर ने इसे स्लांटिंग पोजीशन में रखा हुआ है. अब इसके बाद अगली बारी, इसके बाद देखिए रायमा कीप्स हर स्टंप इन स्लीपिंग पोजीशन. रायमा ने अपनी जो है स्टंप को, गिल्ली जिसे कहते हैं, है ना, इसको स्लीपिंग पोजीशन पर रख दिया. ये है रायमा हमारी. टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट देयर स्टंप्स, दे ड्रॉ लाइंस इन ए नोटबुक. नाउ टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट द स्टंप, दे ड्रॉ सम लाइंस इन अ नोटबुक. फातिमा ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ सी हियर, दिस इज फातिमाज आई थिंक, येस, बिकॉज फातिमा ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. तो ये फातिमा का है. जसबीर ड्रॉज अ स्लांटिंग लाइन. दिस जसबीर, ही ड्रॉज अ स्लांटिंग लाइन बिकॉज ही हैज केप्ट हिज स्टंप लाइक दिस. एंड रायमा ड्रॉज अ स्लीपिंग लाइन. रायमा ने इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनाई क्योंकि उसने इस तरह से रखा था. नाउ मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद द करेक्ट लाइन. आपको करना क्या है, यू हैव टू मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद द लाइन्स. जैसे जसवीर है यहाँ पे, जसवीर ने क्या बनाया था, स्लांटिंग लाइन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जसवीर को पकड़ेंगे इस तरह से यहाँ से, और इसके जो है जसवीर को यहाँ से पकड़ के लेके जाएंगे और इसकी स्लांटिंग लाइन से इसको इस तरह से मैच कर देंगे. ठीक है, और ये हमारी कौन है, मुझे नहीं याद है, देखते हैं ये कौन थी, रायमा. रायमा के बाल छोटे हैं, ये रायमा है. और रायमा ने जो बनाया है, रायमा ड्रॉ द स्लीपिंग लाइन्स, रायमा ने ये बनाई है. तो रायमा को इससे मिला देंगे. और फिर ये हमारी कौन है, शीज आर फातिमा, शी ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन. सो हमने इसको इससे मिला दिया. तो इस तरह से आपने इनको इनके लाइन से मिला देना है. ठीक है दोस्तों, दिस वॉज अ सिंपल स्मॉल एक्टिविटी इन योर बुक. नाउ कम्स द नेक्स्ट. नाउ हियर आर सम स्टैंडिंग, हियर आर सम स्टैंडिंग स्लांटिंग एंड स्लीपिंग लाइन. दीज वंस यू कैन सी, दीज आर द लाइन्स. नाउ ड्रॉ सम मोर सच लाइन्स. ये देखिए, आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द हेल्प ऑफ माई पेंसिल बॉक्स. यू कैन ड्रॉ योर लाइन विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल बॉक्स. आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल, शी इज टेलिंग. एंड शी इज टेलिंग, आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइन्स विद ओनली माई हैंड. शी इज एबल टू फ्री हैंड ड्रॉइंग, दिस इज कॉल्ड फ्री हैंड, शी इज ड्रॉइंग द लाइन्स. सो एकता लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट. नाउ दिस एकता गर्ल, हर लाइन्स वर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड. यानी कि जब लाइन सीधी नहीं होती, जब हम आपसे कहते हैं बेटा कॉपी में काम किया करो, ठीक से करो, लाइन्स में लिखो, तो हम चाहते हैं कि आप सीधे सीधे लिखें और टेढ़ा मेढ़ा ना लिखें. जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, दैट इज नोन एज कर्व्ड. ओके, कर्व्ड लाइन्स. नाउ ड्रॉ सम कर्व्ड लाइन्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हियर इज इन दिस एक्टिव, यू हैव टू जॉइन सम डॉट्स. यू हैव टू ड्रॉ मोर कर्व्ड लाइन्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स. अब सोचो, इस डॉट को मैं जब किसी चीज़ से मिक्स करूँगी इस डॉट के साथ, तो ये कर्व्ड लाइन हो गई ना. हालांकि मैं इसे सीधा बना सकती थी, पर मुझे, चलिए मैं इसको और आगे बढ़ाती हूँ. दूसरा करते हैं, यहाँ से आते हैं. ये देखिए, इस लाइन को मैं यहाँ से इस तरह से लेके आती हूँ. सो यू कैन ड्रॉ सम मोर लाइन्स बाय ड्रॉइंग सम कर्व थिंग्स. ओके, दिस इज हाउ सी ब्यूटिफुली शी, दिस गर्ल एकता हैज ड्रॉन, शी हैज ड्रॉन द कर्व लाइन्स. ओके, सो नेक्स्ट पेज, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ जिज्ञासा हैज अ क्लॉक. जिज्ञासा के पास क्या है, क्लॉक है. शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स एंड ऑल्सो द डे ऑफ द वीक. जिज्ञासा जो है यहाँ से देख पाती है, क्या देख पाती है, टाइम कितना हुआ है और डे ऑफ द वीक, कौन सा आज दिन है आज. द नंबर्स एंड द लेटर्स आर मेड विद स्ट्रेट लाइंस. सो द नंबर्स हियर 1, 2, 3, 0 एंड THU थर्सडे, दीज आर मेड अप विद द स्ट्रेट लाइंस. ओके, सो द नंबर्स हियर, दे आर मेड अप विद द स्ट्रेट लाइंस. लेट अस अंडरलाइन दिस लाइन. नेक्स्ट,
Now, Jigyasa made more numbers and letters with used matchsticks. Matchsticks जो used वाली हैं उसको use करते हुए Jigyasa ने देखिए यहाँ पे कम make more some more. ये देखिए A B C D वाले जो हमने first video के first part में हमने भी activity की थी और हमने बनाए थे, ये बच्चों ने वहीं बनाए हुए हैं, बुक के अंदर से ये एक्टिविटी ली थी हमने. ये कलेक्ट यूज मैस्टिक्स जो इस्तेमाल की जा चुकी हैं, ऐसा ना हो कि आप यूज़ करें वो मैस्टिक्स और आपने हाथ जला लें, तो आपकी जो यूज़ की हुई मैस्टिक्स हैं घर में उसका आगे ब्लैक वाला पार्ट कट करके आप ले आइए और फिर उसको यहाँ पर घर यहाँ स्कूल में लेकर आकर यू कैन हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स विद दोज यूज्ड मैस्टिक्स. ये देखिए इस तरह से आप इनके नंबर्स और लेटर्स ए बी सी डी बना सकते हैं. इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद दीज मैस्टिक्स? क्या मैस्टिक्स से कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो नहीं बन सकते, जैसे कि हमने पिछली बार किया था एक्टिविटी में, पिछले वीडियो में हमारा बी है, सी है, डी है और उसके बाद जी है, ओ है. दीज वर नॉट पॉसिबल यूजिंग दीज मैचस्टिक. राइट सम मोर नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स. सो यू हैव टू राइट सम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 यूजिंग द स्ट्रेट लाइन्स. नाउ वॉट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स? विच वन आर ईजी? कौन से लेटर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन से बड़े आराम से लिखे आ सकते हैं और कौन से लेटर्स आराम से नहीं लिखे आ सकते? ए है, आराम से लिखा जा सकता है. ई, एफ आराम से लिखा जा सकता है, पर बी और सी जिसमें कि थोड़ा घुमाव होता है उसे लिखने में हमें परेशानी आती है. फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स इन लेटर्स आर रिटन विद स्ट्रेट लाइन्स. आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे नंबर्स जो हैं और लेटर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन से लिखे आते हैं. यू कैन चेक इन योर अल्फ़ाबेट बुक और यू कैन योर सेल्फ राइट डाउन ए बी सी डी एंड यू कैन चेक विच लेटर्स कैन बी ईजिली रिटन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. Now come to the dancing lines. Now see, this is a very good activity. You can do this activity at home. What is this activity? Ramya saw a traffic police man giving directions to vehicle. आपने देखा होगा ये जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस जो होती है हमारे ये सर जो होते हैं यहाँ खड़े होते हैं और इस तरह से ये हमें इशारे कर रहे होते हैं भाई यहाँ का ट्रैफिक जाएगा अब यहाँ का. तो ये जो अपने एंगल्स हैं हाथ से अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स कर्व लाइन्स बनाते हैं. डज अ ट्रैफिक पुलिस मैन मेक्स समटाइम्स मेक कर्व लाइन? येस, कभी कभी ये कर्व लाइन बनाते हैं जब भी कहते हैं कि चलो निकलो 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 दिस साइड, है ना. तो रम्या ट्राई टू एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस मैन. शी मेड मेनी स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स. इट वॉज फन. इट लुक लाइक डांसिंग. यहाँ देखिए तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे देखिए ट्राई द डांस स्टेप्स गिवन बिलो एंड एन्जॉय लाइक राइमा. यू कैन ट्राई दीज डांस स्टेप्स. सी दीज फिगर्स आर नोन एज स्टिक फिगर्स बिकॉज ये डंडी से बनाई जाती हैं, स्ट्रेट होती हैं, इसलिए इनको हम स्टिक फिगर्स बोलते हैं. तो आप भी कुछ स्टिकर्स फिगर्स इस तरह देखिए. देखिए ये लड़की जिस तरह से डांस कर रही है, ये वाला डांस जो कर रही है, इसका हाथ कहाँ है? इसका हाथ एक थोड़ा ऊपर है, यानी कि इससे मैच कर सकती थी, पर क्योंकि इसका हाथ थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था और ये थोड़ा सा ऊपर और ये पैर थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये वाला फिगर इससे मैच कर जाती. ठीक है, तो दिस इज़ द क्लासिकल एंड ओडिसी डांस डांस है और आप इस तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं घर में आराम से. नाउ जॉइन डिज़ाइन विद डॉट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जॉइन द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस एंड मेक योर ओन रंगोली डिज़ाइंस. नाउ सी दिस इज अ फिश. यू हैव टू ड्रॉ योर सेल्फ. इस किस तरह से कुछ डिज़ाइन आपको बना लेनी है यहाँ पे इसमें. ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रंगोली बनाई जाती है. बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाते हैं डॉट्स की हेल्प से और एक पैटर्न की तरह से. जैसा यहाँ किया उस तरह वैसे ही वहाँ करते हैं. इस तरह से एक आराम से चलते आते हैं धीरे धीरे और आपका एक बहुत सुंदर सा बन जाता है. नाउ लाइन्स एंड पिक्चर. नैन्सी सॉ दीज पिक्चर्स मेड बाय फोक आर्टिस्ट. लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स कर्व स्टैंडिंग स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग. सो दीज फोर टाइप ऑफ लाइन्स वी हैव स्टडीड and we have learnt in first video. So these are the lines, four lines. So here are the lines. You can see here, you have to find out, you have to mark where are the standing lines, where you can have the slanting lines, where you can see the, now see here, this is a curve, पूंछ है ये इसकी, curved है ये, देखिए इसकी पीठ है ये, curved है. यहाँ पर देखिए straight lines हैं इस बैलगाड़ी में. जो पहिया है आपका यहाँ पे ये क्या है, curved line है. ये देखिए सीधा तना जा रहा है इसका, तो यहाँ पे straight line है. ये लड़की यहाँ से खड़े होके कुछ खिला रही है या कुछ पानी डाल रही है सांप के ऊपर. तो ये देखिए इसके जो पैर हैं और ये जो इसकी बॉडी जो बनी है, दिस इज़ नोन एज वर्ली आर्ट. दिस अ वेरी फेमस आर्ट ऑफ वर्ली. इसे वर्ली आर्ट बोलते हैं और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये बुक के हिसाब से पूरा हो जाता है. तो हमने इसमें सीख लिया कि क्या क्या होती हैं.